नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। जी हां साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसका ऐलान बजट सत्र में कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और निश्चित रूप से इससे मध्य प्रदेश सरकार पर अब और अधिक दबाव बढ़ गया है। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ साथियों, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला लिया गया है। बुधवार को बजट के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया। साल 2022-23 के राज्य बजट में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। इसी के साथ राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है जिसने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को अपने चौथे बजट को पेश करते हुए ऐलान किया था कि राज्य की कांग्रेस सरकार एनपीएस को छोड़कर अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर देगी। बीजेपी शासित राज्यों पर बढ़ रहा दबाव। तो साथियों, ये जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने जो बड़ा निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया है, इसे देखते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है। अब देखना होगा मध्य प्रदेश सरकार क्या कुछ अपने कर्मचारियों के लिए करती है। तो ये निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने का निर्णय लिया है। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव बढ़ेगा और सभी कर्मचारी इसी आशा में हैं कि आने वाले बजट में मध्य प्रदेश सरकार भी कर्मचारियों के हित में निर्णय ले और पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान करे। तो साथियों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर जिसमें छत्तीसगढ़ एक भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय लिया है।